गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ डे 9 और डे 9 में आपको प्रैक्टिस टाइम 2.4 करना है, जो आपकी बुक में ही करना है आपको। लुक एट द फिगर्स गिवन बिलो एंड टिक राइट दोज फिगर्स विच आर सिमेट्रिकल अबाउट द डॉटेड लाइन। ठीक है, देखिए आपको जो ये दे रखे हैं यहाँ पर फिगर्स, इसमें आपको दे रखा है डॉटेड्स दे रखे हैं, तो उस पर हमें टिक लगाना है जो सिमेट्रिकल है। ठीक है, क्या है सिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल मीन्स होता है कि अगर कोई पार्ट है और उसको हमने बराबर डिवाइड किया है, ठीक है, सो डिवाइड करने पर उस पार्ट को बराबर दोनों का हिस्सा आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाता है? सिमेट्रिकल हो जाता है। ठीक है, जैसे ये जो शेप है, देखिए हमने यहाँ पर डॉट लगे हुए हैं, तो ये इधर थोड़ा सा ज़्यादा और इधर कम है, ठीक है, सो मीन्स ये बराबर नहीं हुए, ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। ये शेप है, ये शेप देखिए बीच में से अगर हमने लाइन ड्रॉ की तो बराबर दोनों में इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, मीन्स ये सिमेट्रिकल है, तो हम इस पर राइट लगाएंगे। ये शेप है, इसको हमने किया पार्टीशन, बट देखिए इधर ज़्यादा है और इधर नहीं है, मीन्स कि ये भी सिमेट्रिकल नहीं है। अब देखिए ये वाला, ये भी सिमेट्रिकल नहीं है बिकॉज यहाँ पर टू ट्राइंगल्स और इंक्लूड है और इसमें वन ही है, तो ये भी सिमेट्रिकल नहीं है। ये जो पार्ट है इसमें भी देखिए ऊपर जो है कम पोर्शन है, नीचे ज़्यादा है, मीन्स ये भी सिमेट्रिकल नहीं है। ये सर्कल है, हमने इसको बराबर पार्ट में डिवाइड किया डॉट्स की हेल्प पे, सो मीन्स इसमें टू पार्ट्स इक्वल हुए, सो ये सिमेट्रिकल हुआ। ठीक है, तो सिर्फ किस पर टिक आएगा? 2 और 6। ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्रिकल ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। आपको लाइन ड्रॉ करनी है सिमेट्रिकल्स जो फिगर दे रखा। सो देखिए ये कौन है, इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे कि बराबर टू पार्ट्स हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमने डॉट डॉट स्केल से लाइन यूज़ की तो बराबर टू पार्ट्स हुए। ये यहाँ पर लाइन थी, हमने इसको भी बीच में से कट किया, अगर हम यहाँ से भी करते तो भी बराबर पार्ट होते, और यहाँ से भी किए तो बराबर पार्ट्स हैं, सो हमने बीच में से लाइन ड्रॉ की है। सर्कल को हम इधर से भी करते तो भी बराबर हिस्सा होता, और अगर हमने ऐसे भी किया है तो भी इसमें इक्वल पार्ट्स हुए, सो ये हमारा सिमेट्रिकल हो गया इस फिगर का। यहाँ पर देखिए ये एम टाइप बना हुआ है, सो हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, सो इसके बराबर हिस्से दो हो गए, तो ये हमारा सिमेट्रिकल हो गया। ये जो शेप है इसको भी अगर हम ऐसे करते तो भी हमारा सही होता, अगर ऐसे हम पोर्शन करते तो भी बराबर हिस्से में होता ये, और अगर हमने ऐसे किया है तो भी ये बराबर पार्ट्स में, सो ये हमारा सिमेट्रिकल है। और ये हमारा ऐसा है तो हमने इसको भी बीच में से पोर्शन किया, अगर बीच में से भी करते तो भी सही। तो देखिए इस तरह से सिमेट्रिकल्स क्या होता है, सिमेट्रिकल वो होता है जो जो भी शेप दे रखा है वो अगर बराबर हिस्से में बट रहा है, उन दोनों के बीच में अगर कोई हम लाइन ड्रॉ करते हैं, डॉट्स करते हैं क्रिएट, और दोनों का हिस्सा बराबर आता है तो वो हमारा सिमेट्रिकल होता है। सो ये आपका जो 2.4 है सिमेट्रिकल टॉपिक है इसमें, सो आपको जल्दी से अपनी बुक निकालनी है और इसे पूरा कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।